नमस्कार दोस्तों, सत्य खबर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं जुहेब अहमद। जैसा कि सत्य खबर ने आप सबसे वायदा किया था कि दिल्ली के हर एक पॉलिटिशियन, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, आपके सामने लेकर आएगा, ग्राउंड जीरो पे रूबरू कराएगा। ऐसे में विधानसभा मुस्तफ़ाबाद हम वहाँ पहुँचे हैं और आज हम यहाँ आपको रूबरू कराने वाले हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हाजी मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने अभी अभी एक बूथ जन संवाद ख़त्म किया है। मेरे साथ मौजूद हैं सर, आपने अभी अभी बूथ संवाद जन संवाद जो है वो ख़त्म किया है, अभी अभी आपकी हमने स्पीच भी सुनी, क्या कुछ उद्देश्य रहा है इस जन संवाद में? बूथ जन संवाद का उद्देश्य यह है कि आज जो दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा हुए हैं, ये कार्य जो है जनता तक पूरे तौर से पहुंच नहीं पा रहे, और जहां पहुंच रहे हैं वहां जनता इन कामों से संतुष्ट है या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग ये जगह जगह बूथ जन संवाद कर रहे हैं, जिससे आज तक हमारे देश में जितनी भी पार्टियाँ आईं सब इलेक्शन लड़ने से पहले वादे तो करती हैं, लेकिन उन वादों को कोई भी पूरा नहीं करता है। आज देश में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं कि जिस पार्टी ने इलेक्शन से पहले जो वादे करे थे वो सारे वादे तो पूरे करे ही करे, जो वादे नहीं भी करे थे उसको भी पूरा करा है। तो क्या लगता है, अगर बात करें, हम अभी आगामी चुनाव सर पर हैं, बिल्कुल बहुत समय कम बचा है, अगर विधानसभा मुस्तफ़ाबाद की बात करें हम, क्या कुछ समस्याएं ऐसी थीं जो पिछले 4.5 साल में सबसे ज़्यादा और लोगों को निजात दिलाने वाली जो है पार्टी बनकर ये उभरी, तो किन समस्याओं को जो आप मेन कहेंगे कि इन समस्याओं को अभी तक समाधान नहीं हुआ था जो आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया? दो बहुत बड़ी समस्या हमारे मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की अब तक रही है। एक सबसे बड़ी और पहली समस्या एजुकेशन की। यहाँ एजुकेशन के लिए ना तो कोई अच्छा स्कूल था, ना ही यहाँ कोई अच्छा अस्पताल अभी तक है, और ना यहाँ पानी की कोई एक ऐसी सुविधा थी कि ये टैंकर माफिया यहाँ सक्रिय था, लेकिन पानी मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में नहीं था। जो भी पानी थोड़ा बहुत इधर उधर से आता था वो हम लोगों को मिलता था। आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने तुखमीरपुर में दो स्कूल बनाए, पानी के लिए हमारा UGR सोनिया विहार में बन चुका है जो अगले महीने जनवरी में शुरू होने जा रहा है। तो ये दो जो बहुत बड़ी समस्याएं थी हमारे यहाँ की, ये दूर हो गई हैं। बाकी जो अभी कुछ समस्याएं हैं, कुछ रास्ते वगैरह, कुछ गलियां ऐसी हैं जो नहीं बन सकी हैं, इतना सब कुछ दिल्ली सरकार के फंड देने के बावजूद, लेकिन विधायक जी का उधर ध्यान नहीं है, लेकिन इसको भी हम कोशिश करके इलेक्शन से पहले बनवा कर रहेंगे। अगर मैं एक पूर्व प्रत्याशी के तौर पर बात करूं, तो क्या कुछ आपने अपने बेस पर इस विधानसभा को दिया है? इस विधानसभा में देखिए, मैं विधायक तो था नहीं, सरकार हमारी थी। अभी हमने अरविंद केजरीवाल जी को जो विधानसभा में जो समस्याएं थी उनके बारे में बताया, और उन्होंने हमारी बात सुनने के बाद अभी इसी साल जो है 31 करोड़ रुपए के काम का यहां आकर ऐलान करके गए थे, और वो सारे कार्य पूरे होने जा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो यहां अरविंद केजरीवाल जी ने डायरेक्ट बगैर विधायक के सीधे करवाए। BJP सीधे तौर पर निशाना साध रही है कि अरविंद केजरीवाल फ्री 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 की ये सब चीज़ें लाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, जनता भोली है, जनता इनके बहकावे में आ रही है, ये सिर्फ 3 महीने का इलेक्शन स्टंट है, उसके बाद सब फिर दोबारा से अपने हालात में आ जाना है, कैसे जस्टिफाई करेंगे इन सब चीज़ों को? अगर ये सबसे पहले तो 3 महीने का स्टंट होता तो 3 महीने पहले से शुरू नहीं होता। यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके 3-3 बिल अब तक ज़ीरो आ चुके, चौथा आने जा रहा है। दूसरी बात, जहां आज के इस दौर में जहां हमारे देश की GDP 4.5% है, और दिल्ली में सब कुछ फ्री होने के बाद भी दिल्ली की GDP 8% से ऊपर है, दिल्ली जल बोर्ड सब कुछ, इतना जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार और इतना लोग बिल दिया करते थे और पानी आता नहीं था, इसके बावजूद दिल्ली का जल बोर्ड हमेशा घाटे में रहा, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है दिल्ली का जल बोर्ड घाटे में तो नहीं है। तो फिर इससे मालूम होता है कि फ्री देने के बाद भी अगर ईमानदार सरकार है तो GDP
ऊपर उठता है। लेकिन अपोजिशन का ये भी इल्ज़ाम है कि ये 3 महीने के बाद इलेक्शन होने के बाद अगर सरकार दोबारा आ जाती है आम आदमी पार्टी की, तो दोबारा से अरविंद केजरीवाल फिर रोएंगे कि मोदी मुझे ये काम करने के लिए पैसे नहीं दे रहा, सेंट्रल मुझे इसमें हेल्प नहीं कर रही। अगर ऐसा कुछ है तो अब इतने सारे काम करने के लिए पैसा कहाँ से आया? अपोजिशन का सीधे तौर पर ये निशाना है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कभी भी पैसे का तो मामला नहीं रखा। हमेशा जो लड़ाई रही एलजी के साथ वो काम की लड़ाई रही। एलजी ने काम करने से रोका, काम करने से सेंट्रल गवर्नमेंट रोकती है, पैसे की नहीं। अगर पैसे की लड़ाई होती तो दिल्ली का बजट आज 60,000 करोड़ नहीं होता, आज दिल्ली के व्यापारियों पर इनकम टैक्स के छापे नहीं लग रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली के व्यापारी इनकम टैक्स ईमानदारी से दे रहे हैं। आज टैक्स देने में व्यापारी हमारा पीछे नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, छापे लगते थे, अधिकारियों की जेबें भरी जाती थी, सरकार के पास नहीं आता था। आज ईमानदार सरकार होने की वजह से जो जनता टैक्स का पैसा दे रही है वो ईमानदारी से सरकार के पास आ रहा है। इसी वजह से दिल्ली का जो बजट है दुगना हुआ है। मुस्तफ़ाबाद की क्या कुछ समस्याएं अभी बाकी रह गई हैं जो आप चाहेंगे कि आने वाले समय में इनका हल होना बहुत ज़रूरी है? हाँ, हमारे यहाँ की अभी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी विधानसभा में हमारी बच्चियों के लिए कोई इंटर तक अभी स्कूल सेपरेट लड़कियों का स्कूल नहीं है। तो आने वाले अब जो सरकार हमारी आएगी तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारी विधानसभा में लड़कियों का सेपरेट इंटर तक का स्कूल बने, जिससे हमारी बच्चियों को मुस्तफ़ाबाद से बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। अब अगर बात की जाए आपकी इंडिविजुअली, तो प्रत्याशी तो लाइन में बहुत हैं और आप देख ही रहे हैं टिकटों का दौर शुरू होने वाला है जल्दी, ऐसे में अपने आप को आप कहाँ खड़ा पाते हैं? क्या पार्टी दोबारा चुनकर लाएगी आपको बीच में? देखिए, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो आदेश देगी उसको मानूंगा, पार्टी जिसको भेजेगी उसका साथ दूंगा, पार्टी मुझे आदेश देगी मैं तैयार हूँ। आखिर में सत्य खबर के जरिए जनता को कुछ कहना चाहेंगे अपने विधानसभा के लोगों को? हाँ, मैं जनता को यही कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जनता खुद ये जानती है, पिछले इलेक्शन में जो चूक हुई थी जनता से उस पर बेहद अफसोस रहा था जनता को, और जनता ने इसको माना था कि हाँ हमसे थोड़ी सी चूक हो गई जिसकी वजह से ये सीट हम नहीं जीत सके थे। लेकिन आज पूरे तौर से हर वार्ड में हर समुदाय आज पूरे तौर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ है, और मैं ये विश्वास करता हूं और यहाँ की जनता से अपील करता हूं कि अगर इस लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत से अगर कोई सीट अगर जीती जाएगी तो वो सीट मुस्तफ़ाबाद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से हाजी मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पूरी दिल्ली में कहीं से कोई सीट भारी बहुमत से जीती जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। बोल सत्य बोल में। बोल सत्य बोल में। सत्य खबर की टीम। सत्य खबर की टीम। आज गोकुलपुर विधानसभा आ पहुँची है, यहाँ के हालात क्या है? बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, आगे तबीयत? अभी हमने बीजेपी से जो पूर्व विधायक थे रंजीत सिंह, उनके साथ सुना कि क्या क्या समस्याएं आम आदमी पार्टी ने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में कुछ काम नहीं किए, ऐसा उनका कहना है। अब हम जानेंगे, तुमसे नहीं बड़ों से, तुम तो अभी बच्चे हो, अब हम जानेंगे कुछ और लोगों से कि क्या धरातल पर काम हुए हैं और क्या कुछ हालात चल रहे हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शायद अभी सोकर उठ के आए हैं, क्या नाम है आपका? बबलू शर्मा। बबलू शर्मा। बबलू जी, बताएं जरा, सच सच बताएं, बिल्कुल जनता आप आपको देख रही है जी। मीडिया के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, गोकुलपुर के क्या हालात हैं, पहले क्या थे और अब क्या है? नहीं, हालात तो बहुत ख़राब हैं जी यहाँ के। अच्छा, मतलब कोई भी रोड वगैरह ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ना पानी आता है, ना पानी की भारी समस्या है। पानी की बारिश, भाई आम आदमी पार्टी दावे कर रही है हर जगह साफ पानी और बिजली के बिल माफ और पानी के बिल माफ। वायदे करने से थोड़ी होता है सर कुछ। अच्छा, वायदे तो आप देख लीजिए, सैंपल कई बार ले भी जा चुके हैं यहाँ से, और पानी की तो बहुत भारी समस्या है, बिल्कुल गंदा आता है। अच्छा, पानी बहुत गंदा आता है। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, पानी की दिक्कत बता रहे हैं, क्या सही है? पानी की जब से ये विधायक बना है, ये नालों पर दोनों तरफ गड्ढे हैं और बीच में सड़कों में गड्ढे हैं, कोई आदमी यहाँ बीमार हो जाए तो ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और पानी इतना गंदा आ रहा है किसी भी गली में पूछ सकते हो कि भाई पानी खराब। आंटी जी सही कह रहे हैं, पानी सब जगह गंदा, भाई गंदा आ रहा कही है। अच्छा, हाँ, और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? मैं करी रोड इतना खराब हो रहा, पहले ठीक था और भी खुदवा दिया।
तो पानी किस तरह का आ रहा है, मतलब पीने लायक आ रहा है कि नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हो? ना हम तो अपना सिविल का पी रहे हैं। अच्छा, समरसेबल का पी रहे हैं। समरसेबल का पी रहे हैं, पानी की समस्या है जी। रोजाना बाहर से ला के पानी पी रहे हैं। हर घर में 150 रुपए का पानी आ रहा है, कोई पानी गंदा आ रहा है। यहाँ एक दिन भी पानी सही नहीं आया जब से ये विधेयक बना। एक दिन में चलती है 20 रुपए की कैन लेके लोग है नहीं, मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं, बाकी गंदा ही आ रहा है पानी बिल्कुल। कैनों का इस्तेमाल कर रही है पब्लिक पानी के लिए, पीने के लिए, यानी कि पूरे तल पर पूरे तौर पर यहाँ पर जो है वो पानी की व्यवस्था ठप पड़ी है, लोगों को पीने का पानी नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से बोलूँगा कि जूम इन करके दिखाएं कि ये जो नाला खुदा पड़ा है पूरा का पूरा, नाले की बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ के लोग इस समस्या को, समस्या से किस तरह से जूझ रहे हैं इतने समय से, इनसे जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मालती। मालती जी, क्या लग रहा है ये जो कूड़े की समस्या है, ये जो इतना बड़ा नाला बना हुआ है, कितने समय से है और क्या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं इसको लेकर? अरे भाई, मैं तो किराए पर रह रहे हैं अब बहुत, हमें तो 7 साल हैं, लेकिन कूड़े उड़े तो आ रहे हो इसमें। किराए पे रह रहे हो तो क्या गंदगी किराए वालों को नहीं लगती क्या, बीमारी या बदबू? हाँ, बीमारी बदबू लगने का लग रही है, मच्छर बच्चर दुनिया की आ रही इधर उधर। और कहा, और कुछ काम नहीं हुए विधानसभा में इसमें? और तो ना, कुछ नहीं हुए, कुछ नहीं हुए जी काम। बड़ी मायूसी लग रही है मैम, तो कुछ और लोगों से जानेंगे और पता लगेंगे कि असल में क्या हालात हैं क्या यहाँ के। 5 साल से यहाँ विधायक इधर आया क्या देखा नहीं है, लोग कंप्लेंट करते हैं। और नाले की कंप्लेंट करिए तो हमसे ये बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हो तुम लोग। अब बात करेंगे हमारे बुलेट सवार दोस्त से, एक नवयुवक हैं, क्या नाम है आपका भाई? अंकित। यहीं रहते हो अंकित भाई? हाँ जी। क्या लग रहा है पिछले जो 4.5 साल से काम कर रही है आम आदमी पार्टी, कैसे देखते हो इसे? सही है, दोबारा आ पाएगी नहीं आ पाएगी? दोबारा आएगी पक्का, आ जाएगी। हाँ, पर लोग तो परेशानी बता रहे हैं यहाँ पे गोकुलपुर में, और ये इस कॉलोनी की बात करें हम तो बहुत उतार हुआ है गली में, लाइटें लगी हैं, सड़क का जो टूटी फूटी सड़क थी वो सब मरम्मत हुई है सड़कों की। लेकिन नाला जो हम देख रहे हैं सामने, उससे कब तक निजात मिलेगी? कोई सरकार क्यों नहीं, जैसा केजरीवाल द्वारा आएगा तो अब मिल ही जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा, पानी की समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिली? पानी तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर, बढ़िया है। अच्छा, टंकी पानी कह रहे हैं कि पानी बेकार आ रहा है? कोई नहीं, सब आ रहा है पानी, टंकी आ रहा है, पानी तो सही आ रहा है जी। आपका क्या कहना है बताओ? राहुल। राहुल, राहुल कहना क्या है तुम्हारा? राहुल नाम तो सुना होगा, वैसे करके तुम हाथ फैला दोगे हैं क्या? शाहरुख खान, कैसा आ रहा है पानी? सही पानी, सही आ रहा है पानी। हाँ, क्या पूरी कॉलोनी में गोबर आ रहा, पूरे पानी में तेजाब आ रहा बिल्कुल, समझे भाई साहब? तो बोल रहे हैं पानी सही आ रहा है। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी से लोग करते हैं बिलोंग, समझे? ये उसके भी बिलोंग करते हैं। ये पानी नहीं आ रहा पिछले कुछ टाइम से, बिल्कुल गंदा। तो कुछ मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, इनसे जानते हैं कि दरअसल हालात हैं क्या। कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं पानी नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं पानी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं गंदा आ रहा है, ना आ रहा, कभी आवे कभी ना आवे, गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल। नाली का पानी भरा है यहाँ बहुत बहुत बाहर, यहाँ तक आ रहा है नाली का पानी। नाली का पानी भर गया है, सीवर की समस्या है। हाँ, सीवर। तो सरकार ने कुछ काम नहीं करा? कुछ भी ना करा, क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रही है? कुछ ना कर रही है। तो कह रहे हैं कि भाई हर जगह हम साफ पानी दे रहे हैं, बिजली के बिल माफ। नाली में अटो पड़ो, कूड़ा गंदा दुनिया भर का, और पानी भी गंदा आता है, कोई कुछ ना हो रहा। तो फिर कैसे पीते हो पानी? कैसे पीते हैं? सबके वो लग रहे हैं बोतल से पी रहे, ये पी रहे यहाँ से ले लेके 20-30 रुपए की बोतल। बोलो, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा ना। तो फिर ये इनके दावे, आम आदमी पार्टी के दावे जो हैं और यहाँ के विधायक के दावे, सब बेकार? हाँ, सब बेकार हैं, और क्या कोई वो नहीं है। तो अगली बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अपने अपने काम करते हैं, दूसरे इनके नेता बन के बैठ गए हैं, हमारे उससे तो नेता बने हैं, हमने जब वोट दी जब तक कुर्सी मिली तुम्हें, बिल्कुल कौन सा काम करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक करे तो उसके नीचे वाले है ना, वे गलत कर रहे हैं। फतेह सिंह आकर बिना देखता केजरीवाल सही काम कर रहा है, लेकिन हाँ ये जो ऊपर के ना, ये नीचे के ना, ये नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ जो ये बन रहे। तो फिर क्या किया जाए इस बार? सरकार हटाई जाए या विधायक हटाया जाए? विधायक हटाया जाए, सरकार रहने दी जाए। यानी गुस्सा जो है वो विधायक को लेकर है कि विधायक सही से विधायक कोई है, विधायक कोई विधायक अपने अपने कॉलोनी में और अपने अपने नेता के कर रहा हो, कोई काम ना कर रहा हो। तो ये सब समस्याएं जब तुम उनके सामने लेकर गई तो क्या कहा विधायक? उनने उतने कहो जाओ यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, हमने कहीं हमारे कागज दे, अपने लौंडिया की पेंशन के लिए गए थे। अच्छा, क्या करवाया? कुछ ना करवाया किसी ने, तो सुरंदर आओगा नहीं तो भाई करवाओगा। लौंडिया की पेंशन बनवाई और फिर पेंशन रुक गई, फतेह सिंह के धोरे गए तो फतेह सिंह ने कही कि नीचे उतरो चलो यहाँ से। बताओ है क्या
इसे मत पकड़ो। मैं ये कह रहा हूँ फतेह सिंह काम नहीं करता। अच्छा हाँ जी बिल्कुल नहीं करेगा। जिसने पहले काम कर दिया उनने बाको कहेंगे, लेकिन फतेह सिंह ने कुछ नहीं करा। ओहो, तो नाराजगी सरकार को लेकर नहीं विधायक को लेकर है। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं पर रहती भावना। क्या लग रहा है जी, इतना सब कुछ सुनने को मिल रहा है, कोई कह रहा पानी आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, सही में बात है क्या? पता नहीं, मैं तो पानी लेती नहीं हूँ। लेती नहीं हो? गंदा आता है पानी, गंदा आता है। कभी कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा आता मेरी घर। बिजली वगैरह की समस्या कैसी है? बिजली तो सही आ रही है। बड़ा स्मार्ट सा लड़का खड़ा है, क्या नाम है बेटा आपका? ईशु। ईशु दया सागर, तुम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे बताओ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, शर्मा गया यार। तो मोटे तौर पर अगर देखी जाए तो, और पतले तौर पर देखी जाए तो भी, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मकफूर हुसैन है। क्या लगता है पब्लिक जो है परेशान है वो विधायक से, सरकार से नहीं? सही परेशान है, सरकार तो सही काम कर रही है, सरकार तो सही काम कर रही है, लेकिन ये जो मतलब कर्मचारी लोग हैं ये मतलब ये है ना इतराली करते हैं, मतलब ये सरकार तो मतलब ये सही चल रही है। अच्छा, सुरक्षा के अगर एतबार से देखूं तो कॉलोनी में क्या सिस्टम बना हुआ है? सब सही है? सीसीटीवी कैमरे के वादे करे जा रहे हैं और जो चालू तो हो रखे हैं सारे, जो भी अभी बाकी पता नहीं है कुछ भी, अब क्या इसका क्या बजट है, क्या कैसे है? चोरी चकारी क्राइम वगैरह के एतबार से देखा जाए कैसा है माहौल? नहीं वैसे तो सही है, हाँ यहाँ वैसे कोई बात नहीं। सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पानी इतना गंदा आता है, कोई देखने वाला नहीं है, नाले का पानी आ रहा पीने का। यानी कि सबसे बड़ी जो समस्या दिल्ली में देखने के लिए मिली वो गोकुलपुर विधानसभा में मिली, पानी की समस्या, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, कि पीने का साफ पानी ज़रूर मुहैया कराया जाए। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि पानी फ्री नहीं, पानी सही मिले। कैमरा पर्सन मुकुल के साथ जुहेब अहमद, सत्य खबर दिल्ली।